हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकीज रसोई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम बनाएंगे आलू की छिल्ले। आलू छिल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ दो आलू लिए हैं और आलू का अच्छे तरह से धोकर उसको कद्दूकस कर ले। कद्दूकस किए हुए आलू पानी में डालकर रख लीजिए। कद्दूकस किए हुए आलू में थोड़ा सा बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, गाजर, धनिया के पत्ते डालकर रख लीजिए। एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटे चम्मच मिर्च पाउडर, एक छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, एक कप कॉर्नफ्लावर, स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला दें। पैन गरम हो जाने के बाद पैन में एक छोटी चम्मच तेल डालिए और थोड़ी सी बैटर डाल दीजिए और छिले को 2-3 मिनट तक मीडियम आग पर सिकने दीजिए। इसको फिर उल्टा के दूसरे साइड भी पकने दें। अब आपके आलू के छिले तैयार है। उसको आप टमाटो सॉस के साथ और अपने मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।